एक भाई कर रहे हैं जिससे हम खरीदे नहीं क्योंकि उनका हिस्सा आ रहा नहीं था, तो नहीं खरीदे थे लास्ट टाइम भी बोले थे आपने। जी हाँ, तो वो भाई ये कार्रवाई कर रहे हैं सो है। अभी आप प्रॉब्लम क्या है, वो भाई उनकी नियत ये है कि हम जो है ना जो भी पैसा है उनके जायदाद का वो उनके वालदा और बहनों को उनका हिस्सा नहीं देना, वो सारा हम भाइयों में बांट लेना बोल के उनका स्टार्टिंग से एक एजेंडा है। हम बोल रहे हैं भाई शरीयतन वालदा का भी हिस्सा होता है, छह बहना है बेचारे, उनके फिर बच्चियां शादी के उम्र के हो गए, उनके घर में परेशानियां चल रही भाइयों के, और ये भाई बोलता है कि एक रुपया नहीं देना। तो अब हम तो अब हक के साथ ठहरेंगे, चाहे ये अगर हमको मुसीबत झेलना भी पड़े तो हम झेलेंगे, लेकिन बहनों के और वालदा के हक के लिए हम तो लड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, प्राइड इंडिया बनलागुड़े का मुगल वेंचर प्रिक मरतबा सुर्खियों में, इससे खबर भी गवर्नमेंट की जानिब से डेमोलिशन अमल में आया था, रिसेंटली कल भी डेमोलिशन किया गया। अब इसके पीछे राज क्या है, तो इस राज का खुलासा कर रहे हैं प्राइड इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिर्ज़ा सनोबर बेग। उनका कहना है कि मुगल वेंचर एक जेन्युइन वेंचर है, जेन्युइन रजिस्टर्ड ओनर से ख़रीदा गया है, और जो हिस्सेदार नहीं है इस प्रॉपर्टी में, एक लड़का जो कि हिस्सेदार भी नहीं है, वो लड़का अपने बहनों का माँ का हक खाने के लिए अदालतों के चक्कर काट कर एक नए नए ऑर्डर्स लाकर ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सनोबर बेग का कहना है कि वो ऐसे हरकतों से डरने वाली हस्ती नहीं है, अदालत से ही इसका लीगली तौर पर उस लड़के को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और बहनों का माँ का हक वो खाने नहीं देंगे, बराबर हिस्से तकसीम करेंगे, और जो हकदार नहीं है उनको अदालत के जरिए सजा जरूर दिलाएंगे। आपके वेंचर पे फिर से डिमोलिशन हुआ जी, अगेन डिमोलिश प्राइड इंडिया हो गया, इस बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे। ये लास्ट टाइम भी ऐसा ऑर्डर आया था ना, उसके बाद में हम क्या है एक्शन लेने के बाद में हम जो है लोअर कोर्ट से ऑर्डर ला लिए थे कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते बोल के, और नॉट टू इंटरफियर लिए थे सर। लेकिन उसके बाद फिर वो लोग जो है ना हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में डाले के दोबारा कंस्ट्रक्शन हुआ बोल के, तो जब आया नंबर, जब हमको पता चला हमारा वकील पहुंचने तक ऑर्डर हो गया था, तो हमको सफाई रखने का कुछ मौका ही नहीं मिला कोर्ट में कि हमारे जो परमिशन के लिए जो अप्लाई करे थे, जो HMDA से अप्लाई करे, वो देने का मौका ही नहीं मिला। तो देखिए, तो जब तक ऑर्डर हो गया था 24 आवर्स में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो डेमोलिश करके रिपोर्ट डालो बोल के, और स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा कोई कंस्ट्रक्शन तो हो रहा नहीं था वहां पर, तो एक जो है ना एक कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था जो 2 acres जो हमारे को बेचे थे उनका अपना ओन प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं, तो उसको डिमोलिश करें। ये मुगल एजुकेशन से वही तो है ना, अब ये जो पैरवाई कर रहे हैं वो एक भाई कर रहे हैं जिससे हम खरीदे नहीं क्योंकि उनका हिस्सा आ रहा नहीं था, तो नहीं खरीदे थे लास्ट टाइम भी बोले थे आपने। जी हाँ, तो वो भाई ये कार्रवाई कर रहे हैं सो है। अभी आप प्रॉब्लम क्या है, वो भाई उनकी नियत ये है कि हम जो है ना जो भी पैसा है उनके जायदाद का वो उनके वालदा और बहनों को उनका हिस्सा नहीं देना, वो सारा हम भाइयों में बांट लेना बोल के उनका स्टार्टिंग से एक एजेंडा है। हम बोल रहे हैं भाई शरीयतन वालदा का भी हिस्सा होता, छह बहना है बेचारे, उनके फिर बच्चियां शादी के उम्र के हो गए, उनके घर में परेशानियां चल रही भाइयों के, और ये भाई बोलता है कि एक रुपया नहीं देना। तो अब हम तो अब हक के साथ ठहरेंगे, चाहे ये अगर हमको मुसीबत झेलना भी पड़े तो हम झेलेंगे, लेकिन बहनों के और वालदा के हक के लिए हम तो लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हुए तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम जो स्ट्रेट जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से हम काम करेंगे। आप जाओ, आप हाईकोर्ट को गए, हम भी जाएंगे हाईकोर्ट से, जैसा लोअर कोर्ट से ऑर्डर लाए थे हम भी ऑर्डर लाएंगे, इंशाल्लाह फेवर में ऑर्डर ला के हम फिर दोबारा काम होएंगा वहां।
जो हमारे मैडम आए थे अभी परसों, उन्हें बता रहे थे कि आप इलीगल लेआउट क्रिएट करे बोल के। लास्ट टाइम तो बोलो ना, जब तक परमिशन हम अप्लाई करे, जब तक के अप्रूवल नहीं आता वो तो इलीगल। पुराने शहर में लीगल वेंचर कौन सा है बताओ आप मेरे को? पुराने शहर में अप्रूव्ड लेआउट कौन सा है?